हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ इस लॉकडाउन में आप सब अच्छे हो। आज मैं आप लोगों के साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, जो कि ना मॉनसून और समर के लिए एक बहुत आइडियल फेस पैक है। मेनली जिनके स्किन में बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने हैं, स्किन क्विकली इरिटेट हो जाते हैं, स्किन में रेडनेस का प्रॉब्लम है, स्किन में थोड़ी थोड़ी डार्क पैचेस है, उनके लिए ये बिल्कुल अच्छा फेस पैक है। अगर आपका स्किन नॉर्मल है, ड्राई है या फिर ऑयली कॉम्बिनेशन सेंसिटिव कुछ भी है, आप इस फेस पैक को ट्राई कर सकते हैं। मैं बहुत इस फेस पैक को यूज करती हूँ अपनी स्किन में, तो देख लेते हैं फेस पैक क्या है। लेट्स गो। आपको पहले हाफ चॉप्ड क्यूकम्बर और 15 से 20 तुलसी के पत्ते चाहिए। दोनों को ग्राइंड करने के लिए आप इसको एक जार में डाल लीजिए, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद ऐसा थिक पेस्ट आपको मिलेगा। आप 2 टेबलस्पून इस पेस्ट को ले लीजिए बोल में। उसके साथ 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, कुछ भी ब्रांड का भी चलेगा, मुल्तानी मिट्टी लीजिए। दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और एक पेस्ट बना लीजिए। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप इसमें हनी यूज़ करिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए। मेरा कॉम्बिनेशन है इसलिए मैं हनी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपका ड्राई है तो ही आप इसमें हनी ऐड कीजिए। आपका पेस्ट रेडी हो गया। मैं भी अपने स्किन में कुछ नहीं लगाया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आती तो यह है कॉटन पैड और मेरे पास एक क्लींजर है, इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे लगाती हूँ, नोज एरिया, फोरहेड, एवरीवेयर, नथिंग। मैं अब एक पैक लगा के आपको दिखाने वाली हूँ। पैक लगाने से पहले मैं 2 बात कहना चाहती हूँ। अब पैक लगाने से पहले हमेशा पैच टेस्ट कीजिए, यहाँ पर या फिर अपने हाथ के जो हिस्से है यहाँ पर लगा के देखिए कि आपको कोई इचीनेस या फिर कोई जलन हो रहा है कि, अगर हुआ तो बिल्कुल भी मत लगाइए। ये हर स्किन टाइप को सूट करेगा, फिर भी आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। मैं लगा लेती हूँ। अब सबको पता है क्यूकम्बर या फिर खीरा स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है एंड कूल डाउन करता है, और हमारा स्किन में जो रेडनेस का प्रॉब्लम होता है या फिर हीट रैस का प्रॉब्लम होता है वो भी प्रिवेंट करता है और स्किन को एक नेचुरल ब्राइटनेस भी देता है। और इसके साथ इसमें हमने तुलसी के पत्ते यूज़ किया है, जो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें भर के है और बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट है, जो स्किन का जो एक्टिव एक्ने का प्रॉब्लम है या फिर स्किन में दाने निकलते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ हमने मुल्तानी मिट्टी ऐड किया है, जो कि ना स्किन का ऑयल कंट्रोल करता है और स्किन को अच्छे से क्लींस करता है। अगर आप लोगों का ड्राई स्किन है तो हनी ऐड करिए, हनी आपका स्किन को मॉइस्ट करेगा और हाइड्रेट करेगा। इस फेस पैक को अपने फेस में 15 से 20 मिनट तक रखिए और फिर मसाज करके निकाल दीजिए। इस फेस पैक को आप डेली यूज़ कर सकते हैं और जो पेस्ट आपने बनाया है उसको 1 वीक तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो फिर ज़्यादा बना लीजिए और स्टोर करके 1 वीक तक यूज़ कीजिए, तो आपको स्किन में ज़रूर फ़र्क दिखाई देगा। 10 से 15 मिनट हो चुका है, अब मैं इस फेस पैक को निकालने वाली हूँ। इसको निकालने से पहले आपको अपने दोनों हैंड पानी से वेट करना पड़ेगा, इसके बाद सर्कुलर मोशन में ऐसे मसाज कीजिए। जहाँ जहाँ पैक लगा है वहाँ पर अच्छे से मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद निकाल दीजिए।
मैं नॉर्मल वाटर से अपने मुंह धो चुकी हूँ। अब मैं इसको पैड ड्राई करती हूँ। ज़्यादा रगड़ना मत। देखो मैं क्लोजअप देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लींजिंग करते हैं। और मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कूल हो गया है। आप भी इसको करें। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बाद जो छोटी सी बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं जब भी न्यू वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। टेक केयर, बाय बाय।